राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ के बिलरियागंज में सोमवार को शांति समिति की बैठक देर शाम उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें त्योहार को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाए। बकरीद के त्योहार मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों द्वारा नमाज नहीं अदा की जाएगी। कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा एवं कुर्बानी के दौरान खुले में कुर्बानी ना की जाए बल्कि पर्दे की आड़ में कुर्बानी की जाए। वहीं थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी दशा में कहीं पर भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, त्योहार को शांति पूर्वक मनाए। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष नहीं निकाली जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा पूर्ण रूप से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं कुछ लोगों ने कुर्बानी के दौरान 21, 22 और 23 को कस्बा में कुर्बानी को लेकर सवाल खड़ा किया कि 3 दिन की कुर्बानी के लिए कस्बों में जहां कुर्बानी की जानी है उस स्थान पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएं, जिससे कि कुर्बानी के बाद उठ रही बदबू को रोका जा सके। जिस पर उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही है। वहीं क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ल ने सभी से अपील की है कि शांति सद्भाव पूर्ण रूप से त्योहार मनाए जाए। जहां भी भीड़ इकट्ठा हो और किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करें, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे कस्बे में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है, हमेशा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी सौहार्दपूर्ण से ही आयोजन किया जाएगा। जिससे ध्यानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ SI ओम प्रकाश यादव, प्रथम व द्वितीय आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। PP News 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।